दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने एक बयान में कहा कि नए कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। इसके लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में एक कोरोना केंद्र बनाया गया है। देखिए इसी पर एक खास रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में विदेशों से लौटे 8 यात्रियों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि कोरोना अभी कंट्रोल में है, लेकिन ओमिक्रॉन नई चिंता है। पहले भी दिल्ली में कोरोना बाहर से आने वालों के कारण ही फैला था, इसीलिए प्रभावित देशों से जो भी फ्लाइट्स आ रही हैं, उनसे आने वालों का एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर टेस्ट किया जा रहा है। अभी तक ऐसे 4 मरीज आरटीपीसीआर पॉजिटिव पाए गए और ऐसे 4 भी हैं जो ऐसे लोगों के संपर्क में आए थे। इनका दोबारा टेस्ट किया गया है और इन सभी 8 को एलएनजेपी में आइसोलेशन में रखा गया है। टीचर्स के लिए तो वैक्सीनेशन किया हुआ है पहले से, उसके बाद स्कूलों के अंदर जो स्टाफ है उसको वैक्सीनेटेड होने के बाद ही अलाउ किया जा रहा है। बाकी लोगों के लिए भी ऐसा करेंगे, अभी विचार करके बताएंगे आपको। पहली बात तो जो विदेशी आ रहे हैं वो तो बिना वैक्सीनेशन के आ ही नहीं रहे, उनको तो पहले से किया हुआ है और इसके ऊपर डिस्कशन हुआ, इसको आगे फर्दर डिस्कस किया जाएगा। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि पिछली डीडीएमए मीटिंग में वैक्सीनेशन के एडवांटेज डिसएडवांटेज को लेकर बातचीत हुई थी। ऐसे में बाहर से आने वाले लोग तो बिना वैक्सीनेशन के नहीं आ रहे हैं। बिना वैक्सीनेशन वालों की पब्लिक प्लेसेस में एंट्री बंद करने पर विचार चल रहा है। परंतु जो ये ओमिक्रॉन साउथ अफ्रीका का जो वायरस है, जो वेरियंट है, इसकी वजह इधर काफी चिंता की बात चल रही है क्योंकि ये बहुत तेजी से फैल रहा है। दिल्ली में पिछले कुछ महीनों से कोविड बिल्कुल कंट्रोल में है, डेली केसेस 50 से कम ही आ रहे हैं, 38, 40, 50, कभी कभी 60 भी हैं, पर 50 के आसपास आ रहे हैं, बहुत ही कम केसेस आ रहे हैं। सीरो सर्वे के अंदर भी दिल्ली के अंदर काफ़ी अच्छे हुआ थे, रिजल्ट आए थे, जो वैक्सीनेटेड लोग थे 97%। दुनिया भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के बीच ज्यादा सावधानियां बरती जा रही हैं। विदेशों से आने वाले सभी यात्रियों का एयरपोर्ट पर ही टेस्ट कराया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड द जनतंत्र टीवी ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। Download it now.